मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ मिल गया। आज देखिए फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने युधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटीशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटीशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटीशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है, न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितनी भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा, क्यों कि आप जहां से भी आपको खबर मिलती होगी हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। सभी लोग इस बात को कहेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस इनको फांसी होने से दुखी होंगे, वो भी उनके माँ बाप होंगे, उनके वकील होंगे। आज जब इन चारों कन्विक्टेड को हैंग कर दिया गया है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस हीनियस क्राइम का था, ये रेयरेस्ट मैटर था, उसका इनको पनिशमेंट मिला है। जिस तरीके से निर्भया अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आई थी यहाँ पर और उनके सपने थे, वो इंटर्नशिप करने जा रही थी, नेक्स्ट डे उनको जाना था, लेकिन उनके साथ जो हीनियस क्राइम हुआ वो उनके सपने टूटे, उनको एक झटके में सब कुछ बदल गया।